हाय गाइस, आज हमारा टॉपिक है अडेनियम। आज हम अडेनियम प्लान के बारे में बात करेंगे। अडेनियम प्लान भी सिकलेन फैमिली को बिलोंग करता है, तो चलिए इसके केयर और इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके अडेनियम की सॉइल के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी कोरस है, और हर एक प्लांट अपनी मिट्टी विलरेन पसंद करता है, तो आप इसे भी इसी तरह बनाइए। और बात करें वाटरिंग की, तो जब इसकी सॉइल अच्छी तरह ड्राई हो जाए तभी इसे पानी दें। और सनलाइट की बात करें तो आप इसे फुल सन में रखिए ताकि ये अच्छी तरह ब्लूम कर सके। और मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं अपनी गलती शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप एक लोकेशन पर रख दे तो उसे बार बार चेंज मत कीजिए। ये शेड में था मेरा, यानी पार्शियल शेड में था। जब मैंने इसे फुल सन में रखा तो उसकी सारी लीव्स देखिए इस तरह से झड़ गई, और ये फिर से ग्रो कर रही है अब। और इसकी प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे तो ये स्टेम के थ्रू या सीड के थ्रू भी ग्रो हो जाता है, और साल में एक बार या दो साल में एक बार ज़रूर प्रून कीजिए ताकि इसके मल्टीपल ब्रांचेस निकल जाए। देख सकते हैं कि आप, मेरे पास दो ब्रांचेस थी, जब मैंने इसे कट की तो इस साइड से इस तरह से आ गई ब्रांचेस। और प्रूनिंग तभी कीजिए जब फरवरी या मार्च की स्टार्टिंग हो, और इसकी कटिंग सब फेंकिए मत। आप इस तरह से कटिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, देखिए ये अच्छी तरह ग्रो कर रही है, बस इसमें से एक कटिंग ख़राब हो गई और ये तीन चल रहे हैं। और रिपॉट तभी कीजिए, या इसे रिपॉट बहुत पसंद है, पर आप साल में एक बार कीजिए। फरवरी इज बेस्ट मंथ फॉर प्रूनिंग एंड रिपॉटिंग फॉर अडेनियम्स। और इसी तरह मेरे प्लांट्स और प्लांट्स के बारे में जानकारी के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।